हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। तो जैसे कि आपका नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम आ रहा है, विच इज़ ऑन 25th ऑफ फेब्रुअरी, एंड देन आपका आरबीआई असिस्टेंट भी असिस्टेंट मेंस भी लाइन अप है। और आप लोग को पता है कि उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस आता है, राइट? तो आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर अप करेंगे, टॉप 100। ठीक है, जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते भी हैं और आ भी सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ कवर करेंगे। सो दिस इज अगेन अ नॉन स्टॉप सेशन फॉर यू। ठीक है, नाबार्ड में आपको अच्छे से पता है कि 20 मार्क का कंप्यूटर अवेयरनेस है, एंड यू नो व्हाट, 20 मार्क मतलब अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना, तो 20 मार्क आपके कहीं नहीं जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि 20 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के एग्जाम्स में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर हिट करें। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल नाउ। इसी के साथ एक और चीज़ है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप टेस्ट, फ्री टेस्ट अवेल कर सकते हैं ऑलिव बोर्ड के। ठीक है, तो उसके लिए जो लिंक है फ्री टेस्ट अवेल के लिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपका सब्सक्राइब का आएगा। सो फ्रॉम देयर यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, और कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट आपका जो टेस्ट होगा वो फ्री आपको अवेल हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच शॉर्टकट विल सी यू टू रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म। कौन सा इनमें से शॉर्टकट है वो ये दिखाता है कि जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म करा है वो रिपीट कराता है, जो भी आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म करा है। सो दिस इज ऑप्शन टू, F4। ठीक है, तो वो होती है F4। F4 क्या है, ये एक फंक्शन की है। ठीक है, ये जो शॉर्टकट कीज और ये सब होती है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्हें तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू फॉर्म। जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं बहुत सारे, उनको हम कनेक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए, सो दे फॉर्म टू, दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ नेटवर्क। ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वी हैव। वेरी इजी क्वेश्चन, कंप्यूटर की अभी तक कितनी जनरेशन है। सो वी हैव टोटल 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सो ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाई। जो पहला कंप्यूटर माउस था वो किसने बनाया था इनमें से। सो इट वॉज बिल्ट बाई, ऑप्शन टू, डुगलास एंगलबार्ट। ठीक है, डुगलास एंगलबार्ट ने वो माउस बनाया था, पहला कंप्यूटर माउस। अगला देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स कम अंडर विच कैटेगरी। जो डिफरेंट टाइप्स हैं मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। यू मीन टू से कि कौन सी जनरेशन में आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, व्हाट जनरेशन। तो अभी हमने पढ़ा कि टोटल 5 जनरेशन है, तो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैं वो आते हैं ऑप्शन 4, 5th जनरेशन में। ठीक है, 5th जनरेशन में। अगला देखिए, अ ग्रुप वेयर इज अ, जो ग्रुप वेयर है वो क्या है इनमें से, व्हाट इज इट। सो इट इज अ, ऑप्शन टू, इट इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला देखिए, सीपीयू स्केड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू स्केड्यूलर को इनमें से और क्या माना जाता है, क्या बोला जाता है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्शन 4, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। इनको शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर भी बोला जाता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल। जो एमएस एक्सेल होता है, तो उसमें जो एक्टिव सेल जो होती है, उसका जो कंटेंट होता है, वो इनमें से कौन डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, सो दैट इज डिस्प्लेड ऑप्शन 5, फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार जो है वो डिस्प्ले करता है द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल। अगला देखिए, द एक्सेस मेथड यूज फॉर मैग्नेटिक टेप इज। जो एक्सेस मेथड मैग्नेटिक टेप में यूज करा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। सो इट इज टर्म्ड एज ऑप्शन 1, सीक्वेंशियल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल मेथड। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम, सीपीयू एंड रैम। इनमें से कौन सी चीज है जो रोम, सीपीयू और रैम तीनों को होल्ड करती है। रोम इज रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो कौन करता है, ऑप्शन 1, मदरबोर्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मदरबोर्ड है, इट होल्ड्स रोम, सीपीयू एंड रैम। अगला देखिए, ईथरनेट यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपोलॉजीज। ईथरनेट जो है वो इनमें से कौन सी टॉपोलॉजीज को यूज करता है। ठीक है, दीज टॉपोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ऑप्शन 1, बस टॉपोलॉजी। ईथरनेट जो है वो बस टॉपोलॉजी को यूज करता है। टॉपोलॉजी से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया कैन बी एफिशिएंटली कनेक्टेड बाय। जो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में, उनको हम किस चीज से एफिशिएंटली कनेक्ट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है,
तो उसको हम बड़े बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में हम उसको कर सकते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की हेल्प से कनेक्ट। ओके अगला देखिए, द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर, जो कंपाइलर होता है वो कौन से एरर पॉइंट आउट कर सकता है, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट इज ऑप्शन फोर, सिंटेक्स एरर। ठीक है, तो जो कंपाइलर है वो सिंटेक्स एरर्स को पॉइंट आउट कर सकता है। एरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस सिंटेक्स, सिमेंटिक, दीज काइंड ऑफ एरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिकल इस तरीके के। विच की इज यूज टू रीनेम फाइल, इनमें से कौन सी की है जो फाइल को रीनेम करने में हेल्प करती है। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन 5, F2। F2 इज द की विच हेल्प्स टू रीनेम फाइल। विच की इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स, ठीक है, जो ओपन आपके प्रोग्राम्स हैं उनके बीच में आपको स्विच करना है, लाइक एक प्रोग्राम से दूसरे पे जाना है, दूसरे से पहले पे आना है, लाइक वाइस वर्सा, तो कौन सा की हम यूज करते हैं, सो दैट इज ऑल्ट प्लस टैब। ठीक है, ऑल्ट और टैब को हम ऑल्ट प्लस टैब, मतलब ऑल्ट के साथ हम टैब की को यूज करते हैं टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। अगला देखिए, द शिफ्ट प्लस F10 की कॉम्बिनेशन इज यूज टू, ठीक है, जो शिफ्ट प्लस F10 की का कॉम्बिनेशन है वो किस चीज के लिए यूज करा जाता है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज यूज फॉर ऑप्शन 1, डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू फॉर द सिलेक्टेड आइटम्स। ठीक है, शॉर्टकट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए जो भी सिलेक्टेड आइटम्स है उसके शॉर्टकट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए शिफ्ट प्लस F10 की का फंक्शन की F10 का यूज करा जाता है। अगला देखिए, स्पेशलाइज प्रोग्राम्स दैट असिस्ट यूजर्स इन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड, वो स्पेशलाइज प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं जो यूजर्स को असिस्ट करते हैं किस चीज में, इन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब, वेब में इंफॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन 4, सर्च इंजन्स। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ विच लैंग्वेजेस। ठीक है, ये चारों आपको पता है अच्छे से कि ये लैंग्वेजेस होती है, सी, बेसिक, कोबोल, जावा, तो आपको बताना है ये किस टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। सो दीज ऑल आर ऑप्शन 3, हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, याद रखिएगा ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अगला देखिए, नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड ऑन द सेम केबल इन विच टॉपोलॉजी, किस टॉपोलॉजी में ऐसा होता है कि जो नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं वो एक ही केबल से कनेक्टेड होते हैं, सो इट हैपेंस इन ऑप्शन 5, बस टॉपोलॉजी। ठीक है, इसमें होता है कि सारे कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्टेड होते हैं। ईईपी रोम इज, ईईपी रोम क्या होता है, ठीक है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो वो होता है ऑप्शन 2, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल रोम। ठीक है, ईपी रोम को बोला जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल रोम, रोम को अभी बताया था, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक प्रोवाइड्स डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन के बीच में डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल जो है वो कौन सी टेक्निक से आता है, विच टेक्निक, कौन सी टेक्निक प्रोवाइड करती है, सो दैट इज ऑप्शन 4, स्विच नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन विच लेयर, आपको पता है कि टोटल 7 लेयर्स होती है। ठीक है, OSI मॉडल एक होता है उसमें टोटल आपकी 7 लेयर्स होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी है वो जो प्रोवाइड होती है होस्ट टू होस्ट से, वो इनमें से कौन सी लेयर पे प्रोवाइड होती है, सो दैट इज ऑप्शन 5, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अगला देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की इन अ डेटाबेस, जो डेटाबेस होता है उसमें प्राइमरी की का पर्पस क्या होता है, सो द पर्पस ऑफ प्राइमरी की इज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, यूनिकली वो रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, इन विंडोज कंप्यूटर द डिलीटेड फाइल्स आर ट्रांसफर टू, जो विंडोज कंप्यूटर होते हैं उसमें जो डिलीट फाइल्स होते हैं उसको कहाँ पे ट्रांसफर होती है, जब भी हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होती है, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन 4, रिसाइकिल बिन। ठीक है, जब भी आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो वो सीधे रिसाइकिल बिन से जाती है, रिसाइकिल बिन में जाने के बाद भी वो परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट नहीं होती, उसके लिए परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको रिसाइकिल बिन में फिर डिलीट करना पड़ेगा, तब वो परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है। अगला देखिए, विच लैंग्वेज वॉज यूज इन प्रोग्रामिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी, सो द लैंग्वेज यूज वॉज ऑप्शन 2, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में याद रखिएगा मशीन लैंग्वेज यूज की गई थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MB, MB जो आपने पढ़ा होगा 1 MB, 2 MB,
तो उसमें जो ये एमबी होता है वो होता क्या है? सो एमबी इज ऑप्शन 3 मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट इज एमबी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फर्स्ट एवर कंप्यूटर वायरस, इनमें से किसको सबसे पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है? ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सो दैट इज ऑप्शन 4 क्रीपर वायरस, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट नोन कंप्यूटर वायरस। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट जनरली स्पेंस अ लार्ज सिटी, ऐसा कौन सा इनमें से कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक लार्ज सिटी को कनेक्ट करता है, लार्ज सिटी में होता है? सो दैट इज मैन 1 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये नेटवर्क याद रखिएगा, मैन इज मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सो दिस इज मैन। ठीक, लैन की हम बात करें तो दिस इज लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, और वैन की बात करें तो दैट इज वाइड एरिया एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू आर एल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू आर एल आपने देखा ही होगा कि इसका यू आर एल डाल दो, ये डाल दो, तो यू आर एल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यू आर एल का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन 3 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यू आर एल। अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैज टू बी पीरियोडिकली रिफ्रेश, इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसको हमें पीरियोडिकली रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है? दीज ऑल आर द मेमोरीज, राइट, रैम रोम यू कैन सी, तो उनको हमें पीरियोडिकली टाइम टू टाइम रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, तो दैट इज ऑप्शन 1 एस रैम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक रैम, ओके, और डी रैम को हम बोलते हैं डायनामिक रैम, ठीक है, तो इसको हमें पीरियोडिकली रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। टाइटन इज अ सुपर कंप्यूटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जो टाइटन है वो एक सुपर कंप्यूटर है इनमें से किस कंट्री का? सो दैट इज ऑप्शन 5 यूएसए, ठीक है, अमेरिका का वो सुपर कंप्यूटर है, नाम याद रखिएगा टाइटन। इन एमएस ऑफिस वर्ड एनवेलप्स एंड लेबल बटन कीज आर प्लेस्ड इन द क्रिएट ग्रुप ऑफ विच टैब, ठीक है, एमएस ऑफिस जो है एमएस ऑफिस वर्ड उसमें जो एनवेलप और लेबल बटन की होती है वो प्लेस की जाती है क्रिएट ग्रुप में, किस टैब में आपको ये बताना है? सो दे आर प्लेस्ड इन ऑप्शन 2 मेलिंग टैब्स, मेलिंग टैब में उनको प्लेस करा जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ब्लू रे डिस्क सिंगल लेयर, ब्लू रे डिस्क सिंगल लेयर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? सो दैट इज ऑप्शन 3 25 GB, ठीक है, 25 GB, जीबी इज गीगाबाइट, ठीक है, गीगा बाइट इज जीबी। अगला देखिए, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकेंड इज नोन एज, अमाउंट ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं जो कि स्टोरेज मीडियम से मूव करके कंप्यूटर में जाता है पर सेकेंड, हर सेकेंड उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफर रेट, किस रेट से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सो इट्स इजी वन, ऑप्शन 3 डेटा ट्रांसफर रेट। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क कॉल्ड, जो नेटवर्क से डिवाइस कनेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अगेन एन ईजी क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड एज नोड, ठीक है, ऑप्शन 3 नोड। डायरेक्शन डायरेक्ट एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस डेवलप्ड विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज, डायरेक्ट एक्स क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, तो आपको बताना है कि किस कंपनी ने उसको डेवलप करा था, सो इट वॉज डेवलप्ड बाई, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट वॉज डेवलप्ड बाई ऑप्शन 1 माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डेवलप डायरेक्ट एक्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिकल वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 अपाचे, ठीक है, दिस इज नॉट अ ग्राफिकल वेब ब्राउजर, बाकी आपके फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, दीज ऑल आर वेब ब्राउजर्स। अगला देखिए, इन एमएस पावर पॉइंट अ चार्ट कैन बी पुट एज पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन यूजिंग, ठीक है, जो एमएस पावर पॉइंट है उसमें हम चार्ट को पुट कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, इनमें से किस चीज का यूज करके? सो इट्स इजी, ऑप्शन 2 इंसर्ट एंड देन चार्ट, सो सबसे पहले इंसर्ट पे जाना पड़ेगा और उसके बाद चार्ट पे जाना पड़ेगा, तो वहां से आप पुट कर सकते हैं। अगला देखिए, व्हाट डज ए स्टैंड फॉर इन ASCII, ठीक है, ASCII यूनिट आपने सुनी होगी, तो उसमें ए का क्या मतलब होता है? सो ए स्टैंड फॉर ऑप्शन 4 अमेरिकन, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अमेरिकन दैट इज एज फॉर स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दिस इज ASCII, ठीक है, क्या हो गया? ए फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रखिएगा इसको।
प्रोटोकॉल मोस्टली यूज्ड इन केस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज नोन एज, कौन से हम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं WWW में, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब में, ठीक है, सो दैट इज HTTP, ऑप्शन टू, ठीक है, विच इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड HTTP. अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से किसको फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है, सो ही इज ऑप्शन 5 विंडसर, इनको जाना जाता है फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से. व्हेनेवर द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट मूव्स टू अ न्यू पेज इट इज नोन एज, जब भी क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट पे, जब हम, आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने कंप्यूटर वगैरह यूज कर रहे होंगे तो आप कोई MS वर्ड में लिख रहे हो तो आपने देखा है कि जब आप टाइप करते हो तो वो टेक्स्ट होता है वो ऑटोमेटिकली न्यू पेज पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन टू पेज ब्रेक, ठीक है, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर. What does E stands for? EEPROM. EEPROM में E का क्या मतलब है? अभी हमने EEPROM पढ़ा था, right? Electrically erasable. तो अब आपको बताना है EEPROM में E का क्या मतलब है? So that is erasable. ठीक है? तो EEPROM मतलब होता है erasable programmable ROM. ROM मतलब read only memory. What is the full form of COBOL? कोबोल अभी पढ़ा था हमने कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट, कोबोल, जावा, सी, बेसिक, अभी एक क्वेश्चन में आया था, तो आपको बताना है कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है, सो दैट इज ऑप्शन 1 कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट लैंग्वेज में, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती थी, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, तो आपको बताना है कि मशीन लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सो द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन 2, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर एंड नीड अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम, वो डायरेक्टली कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और उसको एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग फॉर मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज के बारे में देख लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली बाइनरी डिजिट्स ऑफ बिट्स, मशीन लैंग्वेज में सिर्फ बाइनरी डिजिट्स ऑफ बिट्स होती है, इसको हम मशीन कोड भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज एफिशिएंट बट डिफिकल्ट टू लर्न, ये एफिशिएंट होती है बट थोड़ा डिफिकल्ट होती है लर्न करने में, डीबगिंग इज एन इश्यू अटैच टू इट, इसके साथ जो इश्यू अटैच है दैट इज डीबगिंग, ठीक है, सो दीज आर समथिंग अबाउट मशीन लैंग्वेज. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज वर यूज बाई थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन में कौन सी हम टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, सो वी यूज ऑप्शन 2 इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs जो होती थी वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज होती थी, ठीक है. अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ होम टैब, अ डिफॉल्ट टैब इन MS ऑफिस प्रोडक्ट, जो होम टैब होता है विच इज अ डिफॉल्ट टैब इन MS Office प्रोडक्ट में, तो उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज उसका पार्ट नहीं है, ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन 3 टेक्स्ट ग्रुप, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ होम टैब, ठीक है. व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कॉमन टाइप्स क्या है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, सो ऑप्शन 5 ऑल, दीज ऑल आर द टाइप ऑफ बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, DBMS, ठीक है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इज DBMS, ठीक है, ये जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसे बता रही हूँ याद रखिएगा अच्छे से, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इज DBMS. अगर आप में से कोई कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है CS से तो उनको पता ही होगा इसके बारे में अच्छे से. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, कैंडिडेट की जो होती है उसका इनमें से क्या सबसेट है, सो दैट इज ऑप्शन 3 सुपर की, सुपर की इज अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की. वट इज ऑफन टर्म्ड एज 1 trillion byte, वन में से क्या चीज इक्वल है 1 trillion byte के, ठीक है, सो दिस इज ऑप्शन 2 terabyte, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें याद रखिएगा कि गीगाबाइट में कितने होते हैं, जीटा में कितने होते हैं, ये सब याद रखिएगा, सो टेराबाइट इज ऑफन टर्म्ड एज 1 trillion bytes. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है टॉगल की का, सो दैट इज ऑप्शन 3 स्क्रॉल लॉक, ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है वेब ब्राउजर का, ठीक है, तो बताइए करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 नेपली, ठीक है, नेपली इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, नेपली एक ऐप है, ठीक है,
अगला देखते हैं, बाकी वेब ब्राउजर देख लीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था ओपेरा, सफारी, ब्रेव, मैक्सटोन, दीज टू आर ऑल्सो द वेब ब्राउजर्स। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने ऊप्स करके पढ़ा होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वट इज विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है एग्जाम्पल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, फोरट्रेन। दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाकी ये सब है, जावा, पाइथन, रूबी, सी प्लस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट यूज इन एमएस एक्सेल। आपको पता है कि एमएस एक्सेल में बहुत टाइप के चार्ट यूज होते हैं, तो इनमें से कौन सा टाइप नहीं है चार्ट का जो एमएस एक्सेल में यूज होता है। सो दैट इज ऑप्शन फोर, टू चार्ट, ठीक है, टू चार्ट। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट यूज इन एमएस एक्सेल। बाकी आपका कॉलम चार्ट, बबल चार्ट, रडार चार्ट, पाई, ये सब एमएस एक्सेल के चार्ट के टाइप है, ठीक है। टोटल चार्ट जो एमएस एक्सेल में यूज होते हैं दे आर एट, तो याद रखिएगा टोटल चार्ट जो होते हैं दे आर एट, ठीक है। कॉलम चार्ट को हम बार चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, कॉलम चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बार चार्ट, ठीक। सिमिलरली जो रडार चार्ट होता है इसको बोला जाता है सरफेस चार्ट, इसको सरफेस चार्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला देखिए, वीजीए इज अ पॉपुलर डिस्प्ले स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाई आईबीएम। ए इन वीजीए स्टैंड फॉर, वीजीए एक पॉपुलर डिस्प्ले स्टैंडर्ड है जो कि आईबीएम ने डेवलप कराता है, याद रखिएगा। तो आपको बताना है कि ए का क्या मतलब है वीजीए में। सो ए मीन्स एरे, ऑप्शन वन, ठीक है। वीजीए के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो याद रखिएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे, ग्राफिक्स, जी फॉर ग्राफिक्स एंड ए फॉर अभी हमने डिस्कस करा है एरे, ओके। अगला देखिए, व्हाट इज एन एक्सटेंशन फॉर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये एक्सटेंशन फाइल के याद रखिएगा, दीज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या है, सो दैट इज ऑप्शन थ्री, डॉट सी एफ जी। दिस इज एन एक्सटेंशन फॉर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अगेन दिस इनपुट आउटपुट डिवाइस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है, सो दैट इज ऑप्शन टू, प्लॉटर। प्लॉटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। बाकी देख लीजिए, लाइक पेन, ट्रैक बोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, दीज ऑल आर योर इनपुट डिवाइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल गेट। इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है, आपको पता है दीज ऑल आर द गेट्स, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड और जोर नॉट नैन। सो द यूनिवर्सल गेट कौन सा नहीं है, नैंड, ठीक है, दिस इज योर यूनिवर्सल गेट। दो यूनिवर्सल गेट होते हैं याद रखिएगा, नैंड एंड नॉर, ठीक है। यूनिवर्सल गेट हम उनको बोलते हैं जिनसे हम बाकी के गेट्स क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल अदर गेट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दीज टू, नैंड और नॉर। तो दीज टू आर यूनिवर्सल गेट्स। टू चूज द सेवेस्ट कमांड इन एम एस वर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन कीज कैन बी यूज। अगर हमें एम एस वर्ड में सेवेस्ट कमांड को चूज करना है तो हमें कौन सी फंक्शन की यूज करनी पड़ेगी, सो दैट इज ऑप्शन फाइव, F12, ठीक है। वट इज द न्यू डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम इन एम एस वर्ड। जो न्यू डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम होता है, मतलब कोई भी आप डॉक्यूमेंट खोलते हो तो उसका जो न्यू नेम वो खुद से ही दे देते हैं डिफॉल्ट, तो एम एस वर्ड में, तो वो क्या देते हैं, सो दैट इज ऑप्शन थ्री, डॉक्यूमेंट वन। दिस इज अ न्यू डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम इन एम एस वर्ड। विच की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए इनमें से कौन सी की को यूज करा जाता है, सो दैट इज ऑप्शन थ्री, विंडो की, ठीक है। दिस इज यूज टू ओपन द स्टार्ट बटन, जो आपने बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में देखा होगा, सबसे नीचे स्टार्ट बटन, सो दैट इज द स्टार्ट बटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज कीबोर्ड्स इन मॉडर्न कंप्यूटर। कॉमनली यूज कीबोर्ड्स क्या है मॉडर्न कंप्यूटर में, आज के टाइम पे जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर है उसमें कॉमनली यूज कीबोर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन थ्री, क्यूबर्टी, ठीक है। क्यूबर्टी की पैड आपने सुना होगा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इन एम एस वर्ड विच कैन बी यूज टू ओपन डिजाइन टैब। एम एस वर्ड में डिजाइन टैब को ओपन करने के लिए इनमें से क्या हम यूज करते हैं, सो वी यूज ऑप्शन थ्री, ऑल्ट प्लस जी, ठीक है, ऑल्ट की प्लस जी को साथ में प्रेस करके वी कैन ओपन द डिजाइन टैब इन एम एस वर्ड। इसमें और चीजों का भी हम देख लेते हैं, ऑल्ट प्लस एच को अगर हम करेंगे तो होम टैब खुलेगा एम एस वर्ड में, ठीक है। सिमिलरली ऑल्ट प्लस एन का मतलब हो गया इंसर्ट टैब, ठीक है। ऑल्ट प्लस एफ का हो गया, एफ से हो गया आपका फाइल, तो ऐसे याद रखिएगा, एफ फॉर फाइल, तो फाइल खुल जाएगा, एच मतलब होम, ठीक है। ऑल्ट प्लस पी हो गया आपका लेआउट। दिस इज ऑल आर फॉर एम एस वर्ड। अगला देखे, फ्लैट बेड, हैंड एंड शीट फेड आर टाइप्स ऑफ। ये किस चीज के टाइप हैं, फ्लैट बेड, हैंड, शीट फेड, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ स्कैनर। ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर।
फर्मवेयर इज अ पार्ट ऑफ डिवाइस ऑफ, फर्मवेयर इनमें से किस डिवाइस का पार्ट होता है? सो इट इज अ पार्ट ऑफ साउंड कार्ड. ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू ओपन थेसरस इन एमएस वर्ड? थेसरस को ओपन करने के लिए इनमें से हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज करते हैं एमएस वर्ड में? देखो, एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, इन सबके कुछ ना कुछ चीज़ों को ओपन अप करने के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट कीज़ हैं. तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है? याद रखिएगा कि एमएस वर्ड की कौन सी है, एक्सेल की कौन सी है, पावर पॉइंट की कौन सी है, ठीक है? तो थेसरस को ओपन करने के लिए द शॉर्टकट की इज ऑप्शन 5, शिफ्ट प्लस F7, फंक्शन की F7 एंड शिफ्ट, ठीक है? HVD is a user interface that connects to data and application which are stored on cloud service provider's server. D in HVD stands for HVD क्या है? This is a user interface जो कि क्या connect करता है, जो data और application से connect होता है, जो कि कहाँ पे store होते हैं, which are stored on cloud service provider's server. ठीक है, तो आपको बताने हैं कि D क्या होता है HVD में. So D is option 3, desktop. ठीक है, HVD का full form याद रखेगा, hosted virtual desktop. ठीक है, H for hosted, V से हो गया आपका virtual and D for desktop. Remember all these full form because all are very important. ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए, इन MS Access कॉलम्स आर रेफर्ड टू एज, MS Access में जो कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है ऑप्शन 2, फील्ड्स. ठीक है, सो दे आर रेफर्ड टू एज फील्ड्स. अगला देखिए, वॉर्म इज अ डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट प्रिवेंट्स द ड्राइव फ्रॉम इरेजिंग द डेटा. वॉर्म क्या है? ये एक डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करती है, ड्राइव को प्रिवेंट करती है, रोकती है किस चीज से, डेटा को इरेज करने से, ठीक है, डेटा को हटाने से. तो फुल फॉर्म आपको बतानी है वॉर्म की, ठीक है? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन 5, राइट वंस रीड मैनी. ठीक है, ये जो फुल फॉर्म है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगला देखिए, इन DBMS ऑल कीज एक्सेप्ट विच की आर नोन एज अल्टरनेट की. DBMS में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें जितनी भी ये जो कीज दी हुई है उनमें से कौन सी ऐसी की है जो अल्टरनेट की नहीं है? ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन 2, प्राइमरी की. दिस इज नॉट एन अल्टरनेट की, बाकी सुपर की, कैंडिडेट, कंपोजिट, फॉरेन, दीज ऑल आर अल्टरनेट कीज. अल्टरनेट कीज को सेकेंडरी कीज भी बोलते हैं. ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस डॉस कमांड? एमएस डॉस कमांड का एक्सटेंशन फाइल क्या होती है? सो दैट इज ऑप्शन 4, .com. ठीक है, ये जो एक्सटेंशन फाइल्स हैं ये वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो .com इज द एक्सटेंशन फाइल. ठीक है, .bin इज द एक्सटेंशन फॉर बाइनरी फाइल. .dbf इज एन एक्सटेंशन फॉर डेटाबेस फाइल. एंड .tmp इज एन एक्सटेंशन फॉर टेम्पररी फाइल. ओके, अगला देखिए, PDP 11 is an example of which among the following generation computers? ठीक है, जो PDP 11 है वो किस generation of computer, कौन सी generation का example है? So that is आपका option 4, fourth generation. ठीक है, fourth generation जो computer का period है वो 1971 से 1980 तक चला था. जो technology use हुई थी वो थी VLSI. ठीक है, this is the technology used in fourth generation computer. ठीक है, एंड दीज वर डेवलप यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर. इनको किस चीज को लेके डेवलप करा गया था? यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर. ये सब याद रखेगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स टॉपिक अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अगला देखिए, USB इज अ कॉमन इंटरफेस दैट इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड द होस्ट कंट्रोलर सच एज पर्सनल कंप्यूटर. ठीक है, यूएसबी क्या है? ये कॉमन इंटरफेस है जो इनेबल करता है कम्युनिकेशन किसके बीच में, डिवाइसेस एंड द होस्ट कंट्रोलर, जैसे कि आपका हो गया एग्जाम्पल में पर्सनल कंप्यूटर PC. तो आपको बताना है कि S क्या होता है USB में. ठीक है, सो S इज ऑप्शन 3, सीरियल. ठीक है, USB इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने सुना होगा ये USB टर्म बहुत ज्यादा, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस. ठीक है, अगला देखिए, द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन सर्वर एंड रिसीवर इज नोन एज. जो फिजिकल कनेक्शन होता है सर्वर और रिसीवर के बीच में उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ऑप्शन 4, चैनल. ठीक है, इट इज टर्म्ड एज द कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन बिटवीन सर्वर एंड रिसीवर, चैनल. विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज कैन बी रीड बाय द रेगुलर इंग्लिश. ठीक है, रेगुलर इंग्लिश की तरह आप कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको रीड कर सकते हो इनमें से? सो दैट इज कोबोल. ठीक है, यू कैन रीड दिस लैंग्वेज लाइक रेगुलर इंग्लिश. ठीक है, इसका फुल फॉर्म अभी बताया भी था मैंने, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. सॉरी, ठीक है, कोबोल इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड इट इज यूज फॉर बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस.
अलाइनमेंट शेडिंग इज इन द होम टैब ऑफ एमएस ऑफिस अंडर विच ग्रुप, ठीक है। अलाइनमेंट और शेडिंग करके दो ऑप्शन जो है वो होम टैब में आते हैं एमएस ऑफिस में, किस ग्रुप के अंडर, ठीक है। तो ये कम इन ऑप्शन 5 पैराग्राफ ग्रुप। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सी कैटेगरी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंडर आती है, तो दैट इज ऑप्शन 1 कंपाइलर, ठीक है। अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर्स, इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनमें से कौन सा एग्जांपल है इंपैक्ट प्रिंटर का, सो दैट इज ऑप्शन 4 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन द स्पीड ऑफ प्रिंटर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रिंटर की स्पीड होती है उनमें से कौन सी चीज उसको डिफाइन करती है, सो दैट इज ऑप्शन 1 पीपीएम, ठीक है, विच इज पेजेस पर मिनट, पेजेस पर मिनट, दैट इज पीपीएम। अगला देखिए, सी हैश इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, विच अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड सी हैश, सी हैश एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, तो इनमें से किसने सी हैश को डेवलप करा, ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन 3 माइक्रोसॉफ्ट, सो माइक्रोसॉफ्ट डेवलप द लैंग्वेज सी हैश। Which of the following is a correct hierarchy? Correct hierarchy कौन सी है? Again a very important question. So correct hierarchy बात करें, so that is option 2. By KB, MB, GB, TB, PB, XB, ZB, YB. ठीक है, so this is the correct hierarchy. ठीक है, this is very important question. इसे याद रखिएगा अच्छे से. अगला देखिए, in which of the following types of ROM chips data stored can be very easily modified? इनमें से कौन सी ROM chip में जो data है उसको हम easily modify कर सकते हैं? ROM आपको पता ही है, read only memory, so that is EEP ROM, ठीक है, option 3, that is electrically erasable programmable ROM, हमने discuss भी करा था इसके बारे में, right? Electrically erasable programmable ROM. डेवलप करा था और फोन का क्या नाम था, एचटीसी ड्रीम, ठीक है, पहला एंड्रॉइड फोन। Which among the following is the first recognizable social media site? पहली recognizable social media site कौन सी थी, ठीक है, Facebook वगैरह ये सब तो बाद में आई है, Twitter, Facebook ये सब, पहली कौन सी थी, तो पहली थी option 2 6 degrees, ठीक है, ये आई थी 1997 में। अगला देखिए, in order to switch between open apps in MS Windows 10, MS Windows 10 में अगर हमें open apps के बीच में switch करना है, ठीक है, तो कौन सा विंडो लोगो की हम यूज करेंगे, विच विंडो लोगो की इज यूज, सो दैट इज ऑप्शन 2 प्लस डी, ठीक है, दिस विल बी यूज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस आर परफॉर्म व्हेन वी प्रेस कंट्रोल प्लस 9 इन लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम, याद रखिएगा लेटेस्ट वर्जन, तो जो गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन है उसमें कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा अगर हम कंट्रोल प्लस 9 को एक साथ प्रेस करेंगे, तो वो होगा आपका ऑप्शन 5 स्विच टू लास्ट स्टेप, ठीक है, वो लास्ट स्टेप पे स्विच हो जाएगा, ठीक है, ओपन योर होम पेज के लिए आपका है ऑल्ट प्लस होम की, ठीक है, तो उससे आपका आ जाएगा होम पेज ओपन हो जाएगा, ठीक, फॉरवर्ड अ पेज के लिए क्या है ऑल्ट प्लस राइट एरो, राइट एरो जो आपका होता है की वो, ठीक है, तो उससे हो जाएगा फॉरवर्ड अ पेज। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, सो दैट इज ऑप्शन 4 वाइबर, दिस इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। विच एरिया नेटवर्क टाइप कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस, कौन सा एरिया, कौन सा नेटवर्क है, एरिया नेटवर्क है जो कि डिवाइसेस को बहुत कम डिस्टेंस में कनेक्ट करता है, नेटवर्क डिवाइसेस को, सो दैट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, याद रखिएगा लैन, वैन एंड मैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, एम से हो गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसके बारे में हम बता चुके हैं, और डब्ल्यू से हो गया बहुत ही लार्ज उसमें, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला देखते हैं, ई इन एमपीजी स्टैंड फॉर, ई क्या होता है एमपीईजी में, आपने बहुत सुना होगा डॉट एमपीईजी, एमपीईजी फाइल है, ठीक है, तो एमपीईजी में ई होता है ऑप्शन 2 एक्सपर्ट्स, ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर
एक्सपोर्ट ग्रो, सो दैट इज एनपीईटी। ठीक है, अगला देखिए, पिक द ऑड वन आउट, इनमें से कौन सी चीज है जो ऑड है। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन टू, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, दे इनको किसने वो करा है, दे आर बेस्ड ऑन कंप्यूटेशनल मेथड, मतलब इन ये कंप्यूटेशनल मेथड पे बेस्ड है, कंप्यूटेशनल मेथड। ठीक है, हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, और जो सुपर कंप्यूटर है, तो इट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटी, सो इट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटी, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑड वन आउट, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, एंड दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कंप्यूटेशनल मेथड। विच इज द फर्स्ट सर्च इंजन यूज इन इंटरनेट, ठीक है, जो सर्च इंजन इंटरनेट में पहला यूज हुआ था वो सर्च इंजन कौन सा है, सो दैट इज ऑप्शन 5, आर्ची। दिस इज द फर्स्ट सर्च इंजन यूज इन इंटरनेट, जो कब डेवलप हुआ था, 1990 में। ठीक है, ये कब आया था, 1990 में। अगला देखिए, विच डिवाइस इज यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स, एनालॉग लाइन्स पे डिजिटल डेटा को कौन सी डिवाइस कैरी करती है, सो दैट इज ऑप्शन 4, मॉडेम। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें, सो दैट इज मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, सो दिस इज मॉडेम। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपोलॉजी, इनमें से कौन सी टॉपोलॉजी में ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस ऑन अ नेटवर्क थ्रू अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक, सारी जो डिवाइसेस हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, वो हर एक दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड है नेटवर्क में, किस चीज से, थ्रू अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक, सो दैट इज मैश टॉपोलॉजी। ठीक है, मैश टॉपोलॉजी, मैंने पहले बोला था कि टॉपोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला देखिए, विच मटेरियल इज यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स, अ वेरी इजी क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन 5, सिलिकॉन। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्स कंप्यूटर थ्रू एन ईमेल और फ्री प्रोग्राम दैट हैव बीन डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट एंड कॉज प्लेंटी ऑफ डैमेज। ठीक है, इनमें से कौन सा वायरस है जो कंप्यूटर में एंटर कर जाता है ईमेल और फ्री प्रोग्राम्स के थ्रू, दैट हैव बीन डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, जिसको हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, दैट हैव बीन डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट एंड इट कॉजेस प्लेंटी ऑफ डैमेज, और वो बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है हमारे कंप्यूटर को, सो दैट इज ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, दिस इज अ वायरस, ट्रोजन हॉर्स। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट कॉपी, इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी है, सो दैट इज एन अनप्रिंटेड वर्ड डॉक्यूमेंट, एक अनप्रिंटेड वर्ड डॉक्यूमेंट जो है दैट इज अ सॉफ्ट कॉपी, बाकी ये सब हार्ड कॉपी है। ठीक है, ऑडियो फाइल, प्रिंटेड वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो फाइल, सिस्टम फाइल। अगला देखिए, विच लाइट सेंसिटिव डिवाइस कन्वर्ट ड्रॉइंग, प्रिंटिंग टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म, इनमें से कौन सी लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कि क्या कन्वर्ट करती है, ड्रॉइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और बाकी इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में, सो दैट इज ऑप्शन 3, स्कैनर। ठीक है, ये डिवाइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैनर हो गया, प्लॉटर हो गया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, वेयर आर द सेफ फाइल्स गेट स्टोर इन कंप्यूटर, जो सेफ फाइल्स होती हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं कंप्यूटर में, तो वो होती है हार्ड डिस्क में स्टोर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। और हार्ड डिस्क कब आई थी, हार्ड डिस्क आई थी 1956 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, एलईडी, टीएफटी, एलसीडी आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ, इनमें से किस चीज के एग्जांपल्स हैं, एलईडी, टीएफटी और एलसीडी, सो दे आर एग्जांपल ऑफ ऑप्शन 2, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन देखिए, विच की हेल्प्स द कर्सर टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ पेज, वेरी इजी क्वेश्चन, कौन सी की है जो कर्सर को बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द पेज पे ले जाती है, सो दैट इज ऑप्शन 1, होम। ठीक है, दिस इज द की जो कर्सर को बिल्कुल पेज के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग पे ले जाएगी। तो यहाँ पे आपके 100 नॉन स्टॉप क्वेश्चन खत्म होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से आप काफी क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं एग्जाम में आ जाएंगे, और रिपीटेडली फ्रिक्वेंटली कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अपना जो भी फीडबैक हो, कुछ भी हो, प्लीज उसे कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नाबार्ड में आपका 20 मार्क का कंप्यूटर आता है, आरबीआई में आपका 40 मार्क का आता है, सॉरी मतलब 40 क्वेश्चन आते हैं आरबीआई में कंप्यूटर्स के। ठीक है, तो फ्रॉम देयर यू कैन सी कि ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली बच्चे इस सेक्शन को थोड़ा अवॉइड करते हैं, उन्हें लगता है कि हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है, इस सेक्शन पे पूरी मेहनत करिए, और क्योंकि इसमें आपको बहुत आराम से बहुत कम टाइम में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, सो लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ये वीडियो, एंड अगेन आई एम सेइंग कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं करा है, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन,
एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. जो भी आपके फीडबैक हो, कुछ भी हो, प्लीज पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन.